बहराइच में नहीं रुक रहा आदमखोर भेड़िए का आतंक। देर रात फिर 52 साल की महिला पर किया अटैक। वन विभाग की टीम की सारी कोशिशें फेल। कल भी दो मासूमों पर किया था हमला। शिमला में मस्जिद विवाद और गरमाया। आज संजौली और मॉल रोड की सभी दुकानें दोपहर तक बंद। कल हिंदू संगठनों ने किया बड़ा प्रदर्शन। पुलिस लाठीचार्ज में 10 से ज्यादा लोग जख्मी। अंजुमन कमेटी के सदस्य सरवर चिश्ती का भड़काऊ बयान। कहा, हमारे घर और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, सड़क पर तो आना ही पड़ेगा। बाल मुकुंद आचार्य बोले, वक्फ बोर्ड के नाम पर लैंड जिहाद चल रहा, इनका काम ही माहौल खड़ा करना है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में बम धमाके के बाद मचा हड़कंप। सीसीटीवी में कैद वीडियो में एक शख्स कोठी के अंदर कुछ फेंकने के बाद ऑटो से भागता दिखा। पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ने का दावा किया। कर्नाटक के मांड्या जिले के नागमंगला में गणेश जुलूस के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी। मस्जिद के पास पहुंचते ही विशेष समुदाय के युवकों ने गणेश प्रतिमा पर किया पथराव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, अभी स्थिति काबू। रेलवे ट्रैक पर साजिश को लेकर रेल मंत्रालय की पहल। इंजन और कोच में लगेंगे 8 कैमरे। सूत्रों से खबर, रेलवे ट्रैक पर हो रही घटनाओं में विदेशी साजिश के मिले सबूत।